है, मेरे लिए रिकमेंडेशन क्या होगा, तो मेरे लिए रिकमेंडेशन होगा शुरुआत जो हमेशा बेसिक सेटअप से ही होती है। चाहे मैं अपनी बात करूं या दुनिया के किसी बड़े से बड़े यूट्यूबर या टीचर की बात करूं, सभी ने अपने सेटअप की स्टार्टिंग एक बेसिक इक्विपमेंट से ही की थी। तो जब आप मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि हमें अपना ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन चैनल कैसे स्टार्ट करना है, तो उसका एकमात्र आंसर जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो चीजें आपके पास है उसी से स्टार्ट करें, बट उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है। छोटी छोटी चीजें जो आप स्किप कर देते हैं, तो आज हम बात करने वाले, जो थंबनेल में आपने देखा कि 3,000 से 4,000 रुपए में आप अपना स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। मैं आपको इस रूम के अंदर व्हाइट बोर्ड के साथ में बेस्ट क्वालिटी का वीडियो कैसे बनाना है और क्या वो चीज़ है जो एग्जिस्टिंग यूज़र जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे क्या मिस्टेक्स करते हैं, उन सारी मिस्टेक को ठीक करने की हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एज अ क्रिएटर हर वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी जो आपके ऑनलाइन बिजनेस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगी। देखिए, पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कैमरा। देखिए, अभी जो मेरा आउटपुट देख रहे हो वो बहुत महंगे कैमरे से, और ऐसा आउटपुट मोबाइल से आपको शायद ना मिले। हाँ, मोबाइल से मिल सकता है तो आपको किसी बहुत हाई रेंज वाले मोबाइल से मिलेगा, फॉर एग्जांपल आईफोन का जो 13 और 12 का जो वर्जन है उस पर आपको मिलेगा, राइट। तो हम उस इतने अच्छी क्वालिटी पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी शुरुआत है, इसलिए तो हमको मोबाइल लेना है। मोबाइल आपके पास में ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पे 4 मोबाइल का मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर ये सारे अलग अलग रेंज के मोबाइल है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आईफोन की, तो अगर आपके पास आईफोन है मार्केट में, देखिए आईफोन 7 के बाद की सीरीज की सभी के वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो वो इजीली अवेलेबल है 10,000 से 20,000 के अंदर। तो देखिए, फ़ोन को इस सेटअप में कंसिडर करते ही नहीं, क्योंकि इसको आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, तो ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए आईफोन का आउटपुट क्या है, ये आप आईफोन का आउटपुट देखिए। अब हम बात करें वन प्लस की, ये भी एक अच्छा फोन है, इसका आउटपुट भी आपको मैं दिखा देता हूं। और अब हम बात करते हैं जो 12,000 से 15,000 का फोन है, वीवो का मेरे पास में एक फोन रखा है, मैं उसका आउटपुट आपको दिखा देता हूं। देखिए, दिखाने को तो मैं बहुत सारे मोबाइल का आउटपुट दिखाता हूँ, बट आपके बताना चाह रहा था कि आपके मोबाइल की रेंज, अगर आपके मोबाइल की रेंज 10,000 के ऊपर है, तो ये मान के चले कि आप उससे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो कैमरे को रिप्लेस किया मोबाइल ने, लाइटिंग, देखिए लाइटिंग आपको आपके घर की ही यूज़ करना है। जिसे मैं अभी मेरे वीडियो की बात करूँ, देखिए मैंने जो लाइटिंग लगा रखी है, ये 3 ट्यूबलाइट को मर्ज करके लगाया हुआ है। एक ट्यूबलाइट की कॉस्ट है 100 रुपये, 150 रुपये 200 रुपये के अंदर आपको अच्छी ट्यूबलाइट मिल जाएगी। तो आप ये देखिए, इतने ट्यूबलाइट्स के साथ में आपका काम हो जाएगा, साइड से आपको देनी है और सामने से भी दूर से लगानी है ताकि बोर्ड पे रिफ्लेक्शन ना आए। हम लाइट की बात करें तो लाइट को ट्यूबलाइट से रिप्लेस कर सकते हो और पैनल लाइट से। पैनल लाइट जो हमारे घर में जो रूफ में लगती है ना, वैसी वाली लाइट, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो वो भी थोड़ी कॉस्टली होती है, पर आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी वॉल में साइड में फिक्स करते हुए। अब डिजिटल पैनल को रिप्लेस करना है व्हाइट बोर्ड के साथ में। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जैसे इन मोहतरमा का वीडियो देखो, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगेन मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक वीडियो पे जिनके लाखों व्यूज से उन्होंने रिकमेंड किया टीचर को एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड। मेरा व्हाइट बोर्ड की साइज़ आप देखो, व्हाइट बोर्ड की साइज़ ये होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं, इतनी बड़ी साइज़ होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, ये हार्डली 1,500 रुपये में मिल जाता है मुझे। ये आप अपने लोकल वेंडर से बात करिए, ये आपको मिल जाएगा। देखिए इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 8 फिट का है और ये जो है टोटल 4 फिट का है, तो 4x8 की हाइट में ये
व्हाइट बोर्ड है। देखिए यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बनाते हैं, आपको खर्च करना है व्हाइट बोर्ड पे और उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। ये गलती हर कोई कर रहा है, ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितने भी लोगों ने ये बेसिक सेटअप का वीडियो बनाया है ना, उन्होंने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आपका व्हाइट बोर्ड बड़ा होना चाहिए। खुद इतने बड़े वीडियो पे लोगों को गाइड कर रहे हैं जो कि मिसगाइड है, किसी काम का नहीं है। तो आप अगर कर भी रहे हो तो आज ही स्टॉप करो, मार्केट जाओ, बड़ा बोर्ड लेके आओ, इसको फिट करो घर में। अब हम बात करें माइक की, तो ये बोया का माइक या किसी भी कंपनी का माइक सही दुकान से आप अगर ले लोगे ना, तो आपको ये 600 रुपीज़ में मिल जाता है। मैक्सिमम 1K में मिलेगा आपको, पर 600 में भी माइक मिल जाएगा। देखिए माइक पे खर्च कर लीजिए, नहीं तो अगर आप सिंपली बैठकर वीडियो बना रहे हैं, कोई मोटिवेशन वीडियो बना रहे हैं, तो आप अपने हेडफोन को भी साइड में रख के यूज़ कर सकते हो। तो माइक कैन बी रिप्लेस विथ नॉर्मल मोबाइल हेडफोन और बोया माइक की मदद से, ठीक है। अब हम बात करें स्टूडियो की। स्टूडियो से मतलब है कि क्रोमा लगाना, कारपेट लगाना और ये सब लगाना। देखिए ये सारी चीज़ें बाद में है, क्योंकि हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक की शुरुआत हमेशा करें आप अपने घर से। पर घर भी इतना बड़ा होना चाहिए कि इतना बड़ा बोर्ड लगा पाओ। जैसे अभी हम क्लासरूम के अंदर है, तो क्लासरूम जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके कोचिंग का क्लासरूम। क्योंकि कोचिंग का क्लासरूम में फ़ायदा क्या होगा आपके, वहाँ पर बेंचेस रखी होती है बहुत सारी, है ना, जिससे ईको क्रिएट करने के कम चांसेस होते हैं। तो आप पर्दे लगा लीजिए, चेयर को फिक्स कर दीजिए, इन चीज़ों से आपका ईको ख़त्म हो जाएगा। ईको हमेशा थोड़ा बहुत रहेगा, बट आगे मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना है, मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपको स्टूडियो नहीं बनाना है, आपको सिंपल क्लासरूम को यूज़ करना है। फिर हम बात करें ट्राइपॉड की। देखिए मैं बोल रहा हूँ ट्राइपॉड 2500 रुपये का आता है, आपको 200 रुपये का, 300 रुपये का किसी भी नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला ट्राइपॉड ले लेना है। अब देखिए इतनी कंजूसी मैंने क्यों करवाई। आपने देखा है कि जब हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने जिम जाने का थॉट बनाया होगा, उसमें से किसी ने हिम्मत करी होगी और उसके बाद में पूरे साल भर की महीने की फीस पे करी होगी। उसको पे करने के बाद में साहब 4 दिन वर्कआउट किया, 5वें दिन हाथ पैर दर्द और आपने जाना छोड़ दिया। सिमिलरली ऑनलाइन टीचिंग यूट्यूबर के भी सपने ऐसे होते, सेटअप लगाया, 4 वीडियो बनाए, 400 वीडियो बनाए, चला नहीं, सेटअप क्लोज कर दिया। और ऐसे कितने आज के डेट में, हम इंदौर में हैं, इंदौर में ऐसे हर दिन 400 रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, तो 400 बंद भी हो जाते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है, पहले आप अपने आप को प्रूफ करो कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। प्रूफ करने के लिए इस बेसिक सेटअप के साथ में आप एक YouTube का चैनल बनाएं, एक YouTube चैनल बनाएं और उस चैनल पर 10 से 15 वीडियो डालें। एक भी कमेंट नॉन स्टूडेंट या अननोन स्टूडेंट की तरफ से आपको ऐसा आ जाए कि आपने जो वीडियो डाला उससे उन्हें वैल्यू मिली है, तो समझ लेना आप एक ऑनलाइन टीचर की जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो और आप एक सक्सेसफुल टीचर हो। क्योंकि एक की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी 10 लोगों को देखने पे, तो आप जब 10,000 को दिखाओगे तो उसमें से 1,000 लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व आप करने वाले हो। तो देखिए सबसे पहले बेसिक वीडियो रिकॉर्ड करना। मेरे 2 कोर्सेज अवेलेबल है, एक मोबाइल से एडिटिंग करने का और एक लैपटॉप से एडिटिंग करने का। इन दोनों कोर्सेज को आप जाकर मेरी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके देख सकते हो। इन 2 कोर्सेज की मदद से आप वीडियो को एडिट कर पाओगे। वीडियो एडिट होने के बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आप थंबनेल सही तरीके से कैनवा पे बना सकते हो, बेसिक थंबनेल। ये वीडियो आप देख लीजिएगा। आपको मोबाइल में ओपन कैमरा में क्या सेटिंग करनी है ये वीडियो आप देख लेना। ये सब चीज़ें करने के बाद जब आप सक्सेसफुली वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, अपने जितने नोन लोगों से उनसे स्प्रेड करिए। क्योंकि शुरुआत में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा यूट्यूब को कि यस मेरे वीडियो पे लोग देखते हैं। अच्छा अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है। बहुत सारे टीचर्स आते हैं सब्जेक्ट को पढ़ाना चालू कर देते, जो कि बहुत गलत है, ऐसा आपको करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेरे इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन से टॉपिक कैसे पिक करने हैं। देखिए वीडियो की इनिशियल जो 10 वीडियो आप बनाएंगे ना, उसकी जो साइज होगी 8-10 मिनट से ज़्यादा मत रखिएगा, मैक्सिमम 15 मिनट तक चाहिएगा।
8 to 15 का क्लॉज लगा लेते हैं। आप ये सब करिए, 10-15 वीडियो डालिए, उसके बाद में आप मुझे याद करिए, मेरे चैनल को देखिए, फिर हम जाएंगे एडवांस स्टूडियो की तरफ। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे मैसेज, मेल या कॉल पर ये मत पूछे कि आपका बजट कम है, स्टूडियो कैसे बनाना है, क्या करना है। साहब ये वीडियो के बाद में आपको बेसिक से शुरुआत करना है। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते, 10 वीडियो यूट्यूब पर डाल देना और उसके बाद में मुझे मेरे इंस्टाग्राम @eduse_akash पर मेरा फीडबैक ले लेना कि हमने 10 वीडियो आपके बोलने पर डाले, इस पर हमें ये रिस्पांस मिला। मैं कोशिश करूंगा कि 1 मिनट के वॉइस नोट के अंदर आपको जितना मेरे पास में नॉलेज है वो शेयर कर पाऊँ। और अगर आप ये 10-15 वीडियो की जर्नी यूट्यूब पर सक्सेसफुली कर दे तो उसके बाद में आप मुझे याद करें, मैं आपको एडवांस स्टूडियो से लेके, एडवांस टीचिंग से लेके हर एक चीज़ इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा और पहुंचा रहा हूँ। तो देखिए, लाइटिंग तो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका था। ये मेरा है 250 रुपये का ट्राईपॉड, ये सिंपल सा 12,000 रुपये का मोबाइल और बोया माइक के साथ में मैंने इस वीडियो को शूट किया। क्लासरूम का वीडियो बीच बीच में मैं आपको बाइट जो दिखी होगी ना, यही क्लासरूम पे मैंने इस वीडियो को शूट किया है। तो आप देखिए, इतने बेसिक चीज़ों में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपको अब कुछ नहीं सोचना है, किसी से कुछ नहीं पूछना है और कर देनी है शुरुआत। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को किसी नीडी इंसान तक पहुँचाइए। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।